हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा गूगल एडसेंस पर आप बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हो पेमेंट्स पाने के लिए। तो फिर आपको जानना ज़रूरी है कि गूगल एडसेंस अकाउंट पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए मिनिमम $10 जो है होना चाहिए। तो फिर आप देख सकते हो मेरा अभी $10 से ज़्यादा हो गया है, तो फिर इसलिए मैंने बैंक अकाउंट कोई भी ऐड नहीं किया, इसलिए मेरा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो फिर आप भी अगर गूगल एडसेंस अकाउंट पर अपने बैंक अकाउंट जोड़ना चाहते हो तो फिर आपको इस तरीके से जो है शो हो जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल राइट साइड पे एक एक्शन बटन आपको दिया जाता है। अगर आपको ये एक्शन बटन नहीं मिलता है तो फिर आपको जो लेफ़्ट साइड में जो मेन्यू बटन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और बिल्कुल नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा पेमेंट्स, पेमेंट्स पे आपको क्लिक कर लेना है। तो फिर मैं अभी जो एक्शन बटन है इस एक्शन बटन पर क्लिक कर लेता हूँ जो राइट साइड पर है ऊपर में। तो फिर एक्शन बटन में आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हो टू रिसीव पे आउट प्लीज़ चूज ए वैलिड पेमेंट मेथड। तो फिर आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद इस तरीके से शो हो जाएगा नो पेमेंट मेथड येट ऐड पेमेंट मेथड। तो फिर आपको ऐड पेमेंट मेथड पे आपको क्लिक कर लेना है। पेज फिर से लोडिंग शुरू हो जाएगा। तो फिर आप देख सकते हो ऐड ए पेमेंट मेथड करके शो हो गया है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल्स, उसके नीचे में आपको बेनिफिशियरी आईडी जो ऑप्शनल है ये आपको छोड़ देना है। उसके बिल्कुल नीचे में देखिए नेम ऑन बैंक अकाउंट। तो फिर आपका जो ओरिजिनल नेम है जो बैंक पासबुक में आपका नेम है वही नेम आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब बिल्कुल राइट साइड में देख सकते हो आई बटन दिया गया है। अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हो तो फिर आई बटन पे क्लिक कीजिए। तो फिर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा एंटर योर फुल नेम एज शोन ऑन योर बैंक स्टेटमेंट, जो पासबुक में आपका जो नेम है वही नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके नीचे देखिए बैंक नेम है, आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक का नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। पासबुक में आपको बैंक नेम मिल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो आई एफ एस सी कोड आपका बैंक का जो खाता है उस खाते के अंदर आपको आईएफएससी कोड जो है मिल जाएगा। अगर आपको बैंक के खाते के अंदर आईएफएससी कोड नहीं मिलता है तो फिर इसके लिए आपको जो आपका जो नियरेस्ट ब्रांच है जो आपका जो खाता है जिसमें उस ब्रांच पे आप संपर्क कीजिए। उसके बाद है स्विप बिक नंबर जो है सभी बैंक के अंदर नहीं होता है, सभी ब्रांच में आपको स्विप बिक नहीं मिलेगा। तो फिर इसके लिए आपको जो है बैंक में संपर्क करना है, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आपको संपर्क कर लेना है स्विप बिक के लिए। अगर बैंक को पता नहीं है स्विप बिक के लिए तो फिर आपको इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपका खाता SBI पे है तो फिर आपको इस SBI स्विप कोड करके आपको सर्च कर लेना है। तो फिर मैं SBI स्विप कोड करके इस तरीके से सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद आप देख सकते हो SBI का एक वेबसाइट है जो ओरिजिनल वेबसाइट है स्विप कोड NRI SBI, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपको अगर SBI पे आपका खाता है तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रांच है उसका स्विप कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फिर जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है उस ब्रांच का आपको स्विप कोड इस तरीके से कॉपी कर लेना है और फिर पेस्ट कर देना है। इसके लिए आपको कोई भी घबराने का बात ज़रूरत नहीं है। स्विप बिक के बिल्कुल नीचे में आप देख सकते हो अकाउंट नंबर, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है जो आपको पासबुक में है उस नंबर को आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद बोल रहे हैं रीटाइप अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर हमने ऊपर में बिठाया था उसको ही आपको सेम रीटाइप कर लेना है, मतलब फिर से लिख लेना है। उसके बाद आपको जो इस वाला ऑप्शन को आपको छोड़ देना है, जो इंटरमीडियरी बैंक है इसको छोड़ देना है। FFC और FBO आस्क्योर बैंक ये भी आपको छोड़ देना है। उसके बिल्कुल नीचे में बहुत सारे गलतियां करते हैं सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, ये अगर अनचेक रहता है तो फिर इसे आप इस तरीके से क्लिक करके चेक कर लीजिएगा।
और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर जो राइट साइड पर जो सेव बटन है, सेव बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। सेव बटन पर अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो फिर आपका पेमेंट मेथड जो है सेव नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट जो है ऐड नहीं होगा। तो फिर इस तरीके से आप अगर गूगल एडसेंस से पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो फिर इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो गूगल एडसेंस पर। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।